नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एनालिसिस में। और ये प्योरली प्योरली एजुकेशन लर्निंग का वीडियो है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के शेयर के बारे में फिर से एक बार कि वो क्यों गिरा। जब हर रेटिंग एजेंसीज, हर ब्रोकिंग हाउसेस 315 316 की बात कर रहे थे, कल हमने एक वीडियो बनाया था कि पहले 240 आएगा या 400 हो जाएगा। तो उस वीडियो के बाद में काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स मुझे मिले हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में देख लेते हैं कि क्या वाकई 240 आने वाला है। और जब हमने कल पूरे लेवल एनालिसिस की बात की थी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से ये स्टॉक चला है और एग्जैक्ट लेवल पे ही जाके रुकेगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ नंबर गेम में, आई ऑलवेज कंसिडर स्टॉक मार्केट एज नंबर गेम। तो वही नंबर गेम आपको अपनी क्लासेज में सिखाता हूँ, जो अभी होने वाली है दिल्ली की क्लास हमारी 24 अप्रैल को। तो अगर आप चाहते हैं सीखना है एनालिसिस कैसे की जाती है, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ बात करते हैं टाटा पावर का शेयर क्यों गिरा और कहाँ जाके फिर से सपोर्ट लेगा और कहाँ से फिर से बाइंग के मौके मिलेंगे। और कल की वीडियो अगर नहीं देखी तो जाके देखिए, जहां मैंने कहा था कि टाटा मोटर्स 272 की तरफ बढ़ रहा है, वहां आएगा तो हम वहां पे एंट्री के मौके ढूंढेंगे। जी हां, ऐसा ही हमने कहा था। एग्जैक्टली सबसे पहले हम टीटीसी को ही देख लेते हैं कि टीटीसी में हमने कल क्या कहा था। पहले हम टाटा पावर को देख लेते हैं कि टाटा पावर को हमने क्या कहा था। जैसे क्लिक अवे 289 की नीचे की क्लोजिंग थी, मैंने आपको कल कहा था 306 को फेल किया था टाटा पावर ने, इसके ऊपर वो नहीं टिका था, गिरा था 289 के आसपास। कल की क्लोजिंग थी या नहीं थी उसको देख लेते हैं। अगर हम ये लास्ट कैंडल कल की देखें तो यहाँ की क्लोजिंग थी 288.95, मींस 289 के आसपास की ही क्लोजिंग थी। मैंने कहा था ब्रेक बिलो दिस, इसके नीचे ब्रेक करता है तो हम 272.25 के आसपास इसकी वेट करेंगे री एंट्री की। आप ये मत सोचिए स्टॉक आपसे छूट गया है। गाइज, ये वो टूल है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एनालिसिस से बनाया है, जो स्टूडेंट्स को फ्री मिलता है। आप परचेज भी कर सकते हैं इसको, और अगर आपको वैसे फ्री चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक आपको दिए हैं, जिसमें सबसे ऊपर मास्टर कैपिटल के साथ मैंने एक रिसेंट टाइप हुआ है, जिसमें मेरा पर्सनल अकाउंट भी मास्टर कैपिटल के साथ में है। वहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हैं, एंजल है, ज़ीरोधा, जहाँ आप खोलना चाहें, बट मेरे लिंक से खोलना होगा। आपको एक्टिव भी रहना होगा, एक्टिव रहने के लिए ही ये टूल है। तो ये टूल आपको मिल जाएगा, हर महीने फ्री मिलेगा, हर महीने आपको एक्टिव रहना होगा। हमारी टीम को मैसेज कीजिए कि आपने अकाउंट खोलिया, प्रूफ भेजिए, हम क्रॉस चेक करेंगे और आपको इसका एक्टिवेशन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हर महीने आपको एक्टिव रहना होगा, राइट? ठीक है, तो यहां पे आज की जो क्लोजिंग रही, आप बाजार कहां जाके रुका, इस बाजार को देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो रेंज रही, यहां इस रेंज का लो क्या रहा। अगर इस बॉटम को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, दिखाई दे। 275 के नीचे ये स्टॉक आज के दिन में नहीं गया। 275 क्या हमारे आसपास कोई प्राइस है? 275, कैन वी गो नियर दैट? विल यू प्लीज ग्रांट मी दिस 272? क्या आप मुझे देंगे इसका क्रेडिट या बेनिफिट ऑफ डाउट? चलिए दे देते हैं, थैंक यू, नहीं देते हैं तो भी थैंक यू। पर मैं आपको कह देता हूँ, 272 के नीचे भी निकलता है तो इसका परफेक्ट बाउंस बैक 256 से होगा, क्योंकि इस स्टॉक ने 256 पे बहुत समय बिताया था। आपको पता होना चाहिए ये जो एरिया है 256 के आसपास में पहला ब्रेकआउट यहाँ से आया था। तो यहाँ पे ये करेक्शन हो सकती है, ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, अगर प्राइस इसके नीचे चलता है तो फिर उसको प्राइस को यहाँ से बाउंस करना चाहिए, इसके बाद ही एक अच्छा खासी रैली इसमें आ सकती है और वो रैली बड़ी ही शानदार होगी स्टॉक बुल ट्रेंड में, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन दो दिन स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद परमानेंटली डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अगर एक स्टॉक की न्यूज़ है, स्टॉक में अगर स्टॉक में पावर है तो वो पावर उसको वापस लेके जाएगी। तो अगर यहाँ से ये स्टॉक ब्रेक करता है तो 256 के आसपास कंसोलिडेट करेगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ इसने कंसोलिडेशन काफ़ी किया था। अगर हम देखने की कोशिश करें तो ब्रेकआउट हुआ था 256 के ऊपर में ही। ये लेवल देखिए, जिस लेवल को हम कभी भी पार नहीं कर पा रहे थे, 256 के आसपास का लेवल था, उस लेवल को ब्रेकआउट करके ही बाजार ऊपर गया था। तो यहां पे इस ब्रेकआउट के बाद में मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, यहां पे संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं कि 256 को ये स्टॉक ब्रेक करे। तो 256 अगर ब्रेक करेगा भी तो मैक्सिमम 240 के आसपास में इसको री एंट्री करेंगे, बिंदास एंट्री करेंगे, बहुत बढ़िया एंट्री वहां से बनेंगे। बट यहां पे भी एक शानदार एंट्री इसकी बनने वाली। गाइस, अब आप कहेंगे यार 75 पे चल रहा है, 56 पे लेंगे, 20 रुपये नीचे का लॉस हो जाएगा। तो भाई, इंट्राडे वालों के लिए ये वीडियो नहीं है, पैसा बनाने वालों के लिए वीडियो है। जो पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, वो है एक स्टॉक के पीछे पड़ना। अगर एक स्टॉक को स्टडी करोगे, एक स्टॉक में पैसा लगाओगे, मनी मैनेजमेंट करोगे, तो पैसा बनेगा ही बनेगा गाइस, ठीक है? तो यहां पे मेरी एंट्री वापस 256 के आसपास तो होनी ही होनी है, बट 272 पे भी मैं एक एंट्री करना पसंद करूंगा, क्योंकि इस स्टॉक ने रिसेंटली 297 का आज एक हाई बनाया है, एक नया हाई बनाया है। कल जो हाई था उससे एक नया हाई ही इस बाजार ने दिया, तो मतलब यह है कि इसमें पावर तो है,
इसमें कोई ताकत तो लगा रहा है ऊपर जाने के लिए, कोई तो माल लेके गया, बट हाँ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, रिटेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है यहाँ पे। बट जिन लोगों ने यहाँ पे माल उठाया है, जिन लोगों ने अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम लगाने की कोशिश करें, तो वॉल्यूम बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम हमको समझा देता है कि हो क्या रहा है। वॉल्यूम अगर देखें तो जिन लोगों ने ये बाइंग की है, ये जो बाइंग लोगों ने की है, तो क्या ये यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है गाइस, ऐसा नहीं होता है। ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये अच्छी खासी रिटर्न्स के लिए काम करते हैं। 240-250 के आसपास में घुस के 275 पे बड़े कई करोड़ के शेयर्स की सेलिंग नहीं होगी, बट हाँ अच्छी खासी सेलिंग आज देखने को मिली है, एक अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिला है, तो ये प्रॉफिट जरूर बुक किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो आई एम अ बिट कॉन्शियस कि 272 के आसपास से बाउंस करता है तो आई बी रियली हैप्पी, और अगर नहीं बाउंस करता है तो आई बी रियली रियली लुकिंग फॉर 256 पॉइंट ऑफ रेंज। यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक के लिए हम फिर से स्टॉक में री एंट्री कर सकते हैं। गाइस अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड लेना। चलिए देखते हैं निफ्टी कैसी रही। निफ्टी को हमने कहाँ प्रेडिक्ट किया था? निफ्टी हमने कल आपको बहुत ही बहुत क्लियरली कहा था कि निफ्टी, चलिए कहने की बजाय दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। आज तो हमने अभी कैलकुलेटर अपडेट भी नहीं किया, तो कल के लेवल्स आपके सामने हैं। मैंने आपको कहा था 17,956 के नीचे ये निफ्टी का जो गैप है 17,690 के आसपास जाके फिल हुआ। अगर आपको याद हो तो बेहतर है, नहीं है तो कल का वीडियो जाके देख लीजिए, और आज के लो को मार्क कर देते हैं गाइस। दिस इज एब्सोल्युटली कैंडल के ऊपर जाएंगे तो आज का लो है 17,694, तो मोटा मोटा 694 के आसपास की ही लो हिट करने के बाद में बाजार की क्लोजिंग 17,742। ये लो कैसे हिट हुआ गाइस? 17,690 का लो कैसे हिट हुआ? क्योंकि मुझे मालूम था 18,090 के, जब 18,225 के ऊपर बाजार नहीं गया था, वहां से गिरने लगा था, बस प्रेडिक्शन और की गिरने के बाद कम से दो टारगेट 17,956 का एक मेजर लेवल आने वाला है। ये मेजर लेवल मैंने आपको कहा था कि भाई ये एक 17,956 का लेवल है, अगर गिरता है यहां से तो बाजार ने यहां से कम से दो टारगेट फिर से आपको अचीव करने को मिलेंगे, स्विंग टारगेट्स आपको मिलेंगे 17,690 तक, इसको आना ही चाहिए। मतलब फॉल सपोर्ट 17,556 यहां पर एंट्री बनेगी ही बनेगी, तो पर यहां पे एक पॉइंट ऑफ बाउंस था जो बाजार बाउंस लिया है, और कल बाजार आपको सरप्राइज भी कर सकता है, यू नेवर नो। मार्केट ओपनिंग है, मार्केट हमेशा सरप्राइज करती है, हमारे जैसे लोगों को सबको फेल कर डालती है, तो बाजार के साथ रहिए, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड एज पर माय ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर सेज, और ट्रेंड इज योर ओनली फ्रेंड। इसी के साथ काम किए ज्यादा मजा आने वाला है। बैंक निफ्टी को भी देखने की कोशिश की, बैंक निफ्टी अगर आपको याद हो मैंने आपको कल कहा था 38,025 के ऊपर में अगर रहती है तो बैंक निफ्टी में हम तेजी देखेंगे, नहीं तो वहां से एक सेलिंग देखने को मिलेगी। 38,025 का लेवल था और वहां से नीचे बाजार गिरते गिरते हमारे जो लेवल है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 37,806 और आज जो लो लगा है 37,491.90 रुपये के आसपास का, 37,442 का हमारा सपोर्ट था। दो टारगेट गिर लीजिए, हमेशा से दो टारगेट की बात करता हूँ, 38,025 टूटा, 1 और 2, दो टूटे ही टूटे, थर्ड वॉज दी सपोर्ट, यहां से सपोर्ट लेके वापस से बाजार ऊपर की तरफ बंद हुआ है 37,800 के आसपास बंद हुआ, तो यहाँ पे इसने जो क्लोजिंग दी है 37,636 के ऊपर क्लोजिंग है, तो यहाँ पे अब मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर मैं लॉन्ग लेने वाला हूँ पोजीशन, तो 37,636 का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है क्लियरली। अब आप कहेंगे यार कैलकुलेटर के बेस पे ट्रेडिंग करता है, भाई एक बात बताइए, क्या जरूरी है आपको बहुत ही डिफिकल्ट ट्रेडिंग करने की? क्या जरूरी है कि आप ऑप्शंस में पैसा बर्बाद करें बिना सीखे समझे? क्या जरूरी है किसी को ब्लाइंडली दिखाने के लिए ट्रेड करें और पैसे का नुकसान होता चला जाए? अगर आपके पास सेटअप है, टूल है, स्टडी है, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस है, तो आप ट्रेड लीजिए ना, क्या दिक्कत है, ट्रेड लीजिए, इंट्राडे कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, कौन मना करने वाला है, सबको पैसे आने वाले हैं। बट सही एंट्री एग्जिट इज द की टू सक्सेस। बाजार में कितना ही ट्रेंड लाइन सीख लीजिए, कितनी इंडिकेटर सीख लीजिए, कितना ही ऑप्शन चेन सीख लीजिए, बट अगर आप सही एंट्री नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस के बाद में, तो सब चीजें फेल होने वाली हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज करेक्ट एंट्री एंड करेक्ट एग्जिट। सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्या लेना है, क्यों लेना है, कहाँ लेना है, कितना लेना है, बस ये चार चीज़ें समझ लीजिए, तो मेरे ख्याल से बाजार में आप आराम से काम कर सकते हैं और आपको कोई हरा नहीं सकता, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इक्विटीज़ हो। यही सब सिखाने के लिए क्लासेस में रन करता हुआ है, तो मेरी मास्टर क्लासेस अभी दिल्ली में है और आने वाले टाइम पे बहुत सारे शहरों में होने वाली है, मुंबई होगी, अहमदाबाद होगी, सूरत होगी, राजकोट होगी, पटना होगी, हम हर जगह चलने वाले, जहां बुलाएंगे वहां चलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके शहर में हो और आप क्लास की वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैसेज कीजिए हमारे नंबर पर, नीचे के स्ट्रिप पे दोनों नंबर हमारे, किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं और सीखिए इस बाजार को कैसे रीड करना है। बजाय कि डेली 15-20,000 का एमटूम लॉस खाने से अच्छा है एक 15,000 रुपए की क्लास कर ली जाए, वो आपको ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। तो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, मजे कीजिए, जय हिंद।